Good morning, student. Sit down. आज हम शब्द तथा वाक्य के बारे में पढ़ेंगे. शब्द तथा वाक्य, ठीक है. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? भाषा, व्याकरण, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना. और क्या क्या था? भाषा, व्याकरण, उसके बाद वर्ण तथा वर्णमाला. एक क्विक रिवीजन दे देते हैं. भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं. भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं. भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा. क्लियर है किन्हीं को कोई दिक्कत? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ण कहलाते हैं. और वर्णमाला जो है, एक चीज और, आप लोग कल भाषा के साथ साथ लिपि भी आप लोगों को बताया गया था. लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं, ठीक है. भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा, मुंह से बोली जाने वाली भाषाएं मौखिक होंगी, लिखकर समझाई जाने वाली या आदान प्रदान करी जाने वाली भाषाएं लिखित भाषा कहलाती हैं. व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, ये तीन चीज, लिखना, पढ़ना और बोलना, शुद्ध शुद्ध सिखलाता है. व्याकरण वह शास्त्र है. क्लियर है? वर्ण क्लियर हो गया? वर्णमाला क्लियर है? ये सारे किसी को डाउट? अब नेक्स्ट हम लोग आगे अपना पड़ाव डालते हैं. वाक्य तथा शब्द तथा वाक्य. देखिए वर्णों के, अभी हम लोग वर्ण पढ़े थे, सबसे छोटी इकाई थी. वर्णों के सार्थक मेल को ही, सार्थक समूह जिसे बहुत सारे वर्ण मिले आपस में, क्लास कब बनता है? एक बच्चे से क्लास बनता है, वो ट्यूशन हो जाता है. लेकिन जब 10, 12, 15, 20 बच्चे का एक समूह होता है तो वो क्या हो जाता है? क्लास, कक्षा का रूप ले लेता है, है ना. लेकिन जब एक, दो या तीन बच्चे किसी शिक्षक के पास जाकर पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है? ट्यूशन. छोटा सा रूप बदल गया ना, देखे ना. पहले हम लोग वर्ण पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द. क्या पढ़े? शब्द. तो शब्द क्या है? वर्णों के समूह से जो सार्थक उसका एक अर्थ निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे. जैसे उदाहरण हमेशा याद रखिएगा, उदाहरण हमेशा, कम से कम दो तीन उदाहरण जरूर देना है. जब भी जैसे आपसे कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो परिभाषा जब हम लोग दें, परिभाषित जब करें, तो उसके साथ उदाहरण लगाने की आवश्यकता जरूरी हो जाती है, ठीक है. अभी आप लोग 1 से 3 में हैं, कोई दिक्कत, ज़्यादा बड़ा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है. लेकिन उदाहरण अभी से आप लोग को आदत डाल देना चाहिए, अच्छे कामों को शुरू से करना है, ठीक है. परिभाषित करेंगे, क्या करेंगे जी? वर्णों का वह सार्थक समूह, वर्णों का वह सार्थक समूह जिससे कोई सटीक अर्थ
निकले जिससे उस समूह से उसका एक मतलब सही सही अर्थ निकले उसे शब्द कहेंगे। ठीक है, मतलब दो हो, दो शब्द, दो वर्ण के मिलने से भी बन सकते हैं, तीन के भी, तीन वर्ण आपस में मिले तो भी बन सकता है। जैसे सबसे कैसे यहां पे कितने वर्ण मिले आपस में, तीन का एक वर्ण हुआ दो, ये तीन, ये क्या पढ़ेंगे, कमल। कमल एक अर्थ इससे निकल रहा है, लेकिन अगर रहता म जोड़ क, म कोई इसका अर्थ निकल रहा है नहीं, मतलब वैसे दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हो और उसका सही अर्थ निकले तभी वो शब्द के रूप में। हाँ, उदाहरण दे दीजिएगा, कमल बहुत सारा है ना, उदाहरण में बताना पड़ेगा, अ से अनार, आ से आम, ई से, उदाहरण कितना सारा हो गया शब्द का, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब यहां तक किन्हीं को दिक्कत, अब देखिए पहला चीज तो जैसे ही कोई शब्द कि कोई भी शिक्षक लिखे या कोई आपके पेरेंट्स पूछे या कोई भी आपसे बड़े या छोटे कोई भी हो आपसे कोई भी चीज पूछा जाए तो उसका सबसे पहला मतलब समझना है, किसी भी लेसन का हो, किसी भी सब्जेक्ट भाषा की हो, बुक साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ हो, जैसे ही कोई चीज आपसे पूछा जाए उसका पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए, तभी उसके आगे बढ़ेंगे। नहीं आता है सबसे पहले क्या करना है जी, क्या करना है, नहीं आने पे कैसे, बस हाथ ऊपर ऐसे करना है, बैठे बैठे ही टीचर शिक्षक जो भी आपके क्लास में रहेंगे वो समझ जाएंगे प्रॉब्लम है बच्चे को, है ना, डॉक्टर दीपा को क्या है प्रॉब्लम है, दीपा क्या करेंगी, डॉक्टर उसका इलाज करेंगी, है ना, नहीं क्या दीपा करोगी ना इलाज। तो आप देखिए इसका जैसे ही क्लियर हो गया शब्द किसे कहते हैं, तो इसका कोई रूप भी है जी, प्रकार भी है, जैसे भाषा के दो रूप थे लिखित और मौखिक, तीसरा भी था सांकेतिक, लेकिन वो कुछ दिन के लिए जब जरूरत पड़ता है तो बुला लेते हैं, है ना, इमरजेंसी सेवा है ना, इमरजेंसी में वो आपातकाल में दम पहुंच जाते हैं, नहीं कि नहीं। अब इसके कितने प्रकार हैं, अब इसके प्रकार कितने हैं, जैसे हम लोग मम्मी पापा के बाल बच्चा हुए ना उसी तरह से कुछ के तो होंगे ना, और तो शब्द के कितने हैं, दो, कितने हो गए दो, कौन कौन हैं, तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उससे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वे निरर्थक शब्द कहलाएंगे। सार्थक का अर्थ ही हो जाता है, नहीं कहते हैं मेरी पढ़ाई सार्थक हो गई, सारा पढ़ाई निरर्थक बेकार चला गया, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो शब्द दिया हो उससे ही समझ में आना चाहिए, उससे ही पकड़ लेना है कि क्या उसका अर्थ निकल रहा है, उससे आसान हो जाए। क्वेश्चन में ही आंसर आधा से ज्यादा छिपा होता है, बस ध्यान से अगर पढ़ाई किए हुए रहेंगे क्लास में शिक्षक की बात सुनेंगे तब जरूर हो जाएगा। अब साहिल जी क्या करते रहते हैं, ये फैक्ट्री लगाते हैं इरेजर की, है ना,
पेंसिल बनाते हैं? नहीं, पढ़ाई जब चलते रहता है तो क्लास में क्या करते हैं? शैतान है, नहीं, शैतान नंबर एक। और शैतान नंबर दो कौन है? ध्यान देना है,